मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केलकर है। मैं एक साइकैट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और अकोला केलकर हॉस्पिटल जो अकोला में है महाराष्ट्र में, वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर ये एक साइकेट्री की बीमारी है जो बहुत ज़्यादा प्रमाण में पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में दिखती है। दिक्कत ये है कि इसे डायग्नोसिस करना इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसका डायग्नोसिस नहीं हुआ तो फिर पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है और पेशेंट के साथ में रिलेटिव्स को भी बहुत तकलीफ होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या? जैसे इसका नाम बताता है, बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब दो पोल की बीमारी, एक हाई पोल और एक लो पोल। हाई पोल में क्या होता है कि पेशेंट को हर्षवायु आ जाता है, मतलब मेनिया आ जाता है। और लो पोल में क्या होता है, लो पोल में पेशेंट को डिप्रेशन आ जाता है। अब पेशेंट ये दो पोल के बीच में घूमते रहता है, कभी हाई पोल कभी लो पोल। कभी पेशेंट मेनिया में जाएगा मतलब हर्षवायु में जाएगा, या कभी पेशेंट डिप्रेशन में जाएगा मतलब लो में जाएगा। डिप्रेशन के बारे में मैंने वीडियो पिछली बार डाला ही है। हर्षवायु मतलब जो हाई पोल होता है, मेनिया होता है, उसमें क्या होता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जब बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट को होता है तब जो रिलेटिव्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता नहीं है कि पेशेंट के साथ बिहेव कैसा करें। क्योंकि हाई पोल में पेशेंट ज़्यादा ही खुश होता है, चिड़चिड़ बना करता है, गुस्सा करता है, पैसे ज़्यादा फेंकता है, शॉपिंग ज़्यादा करता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी की इच्छा करता है। और लो पोल में पेशेंट एग्जैक्टली अपोजिट बिहेव करता है, मतलब कोई काम करने की इच्छा न होना, उदास लगना, नींद ना आना, बेचैनी होना, आत्महत्या के विचार आना, तो उससे रिलेटिव्स बहुत परेशान हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पेशेंट्स हमारे पास आए बाइपोलर डिसऑर्डर के, जो सालों से उनको बाइपोलर डिसऑर्डर है लेकिन कोई भी उन्हें डायग्नोस नहीं कर पाया। वो बाबा के पास गए, क्वैक्स के पास गए, जिन्होंने बोला कोई बाहर के आत्मा है, भूत प्रेत है। तो ऐसे जो डिसऑर्डर है वो खाली साइकेट्री से डायग्नोस कर पाते हैं। ये खाली पुअर या गरीबों की बीमारी नहीं है, ये हाई क्लास लोगों में भी ये बीमारी होती है। बहुत ऐसे नामवंत यानी जो नॉन सेलिब्रिटीज है जिनको ये बीमारी हो चुकी है, नाम मैं आपके सामने शेयर नहीं करूंगा, लेकिन हॉलीवुड बॉलीवुड ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है और उनके कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत बुरे हुए हैं। जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर में लोगों ने आत्महत्या भी की है। अनफॉर्चुनेटली इनकी ट्रीटमेंट बराबर नहीं हुई या इन्होंने बराबर दवाई नहीं लिया, इसलिए। तो बाइपोलर डिसऑर्डर जो है इसको प्रिवेंट करना और अगर हुआ तो इसकी ट्रीटमेंट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाइपोलर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट क्या है ये आपको डिटेल में मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। इंपॉर्टेंट ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट हम करते हैं एज अ साइकेट्रिस्ट, मेडिसिन, काउंसिलिंग, ये सभी प्रकार की ट्रीटमेंट हम करते हैं। ट्रीटमेंट लेना बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया, ये डिसऑर्डर के इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा है। फैमिली में कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, जो रिलेशनशिप है वाइफ की, हस्बैंड की, बच्चों की, वो रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाती है। सेक्सुअल प्रॉब्लम उसके वजह से आते हैं, हाइपर सेक्सुअलिटी या हाइपोसेक्सुअलिटी आ जाती है। फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब अपर पोल होता है तो वो ज़्यादा पैसा खर्च करता है, और डिप्रेशन होता है तो वो सब पैसे बचा के रखता है, तो फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। वर्क में प्रॉब्लम हो सकता है, जो प्रॉब्लम काम में है वो प्रॉब्लम हो सकते हैं, एकेडमिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। आजकल बहुत सारे यूथ्स हमारे पास आ रहे हैं, एडोल्सेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर हो रहा है, तो उनका एकेडमिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स को होते हैं। तो ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है बाइपोलर डिसऑर्डर का, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा जिसके बारे में मैं आपको जो अपर पोल है बाइपोलर डिसऑर्डर का, जो जिसको हम खुशी की लहर बोलते हैं या हर्षवायु बोलते हैं या मेनिया बोलते हैं, मैं उसके बारे में आपको प्रेजेंट करूँगा। और साथ ही मैं आपको बाइपोलर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट क्या है वो संक्षिप्त में, डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।